अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खेलों की दुनिया में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान अशर जैदी। आज हम मौजूद हैं लाहौर के नेशनल हॉकी स्टेडियम में और बात करेंगे हॉकी के हवाले से। आपको याद होगा नाज़रीन, बुध को जो हमने आपकी खिदमत में प्रोग्राम पेश किया था उसमें साबिक ओलंपियंस नवीद आलम और मंसूर अहमद मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को आड़ों हाथों लिया था। उन दोनों का मौकफ ये था, उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उन पर जो ताहियात पाबंदी लगाई है वो बिल्कुल गलत है, बल्कि उल्टा उन दोनों ओलंपियंस ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। इन इल्जामात के जवाब में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का क्या कहना है, इस पर हम फेडरेशन का मौकफ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ओलंपियन और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो एकेडमीज का प्रोग्राम लॉन्च किया है उसके डायरेक्टर राना मुजाहिद अली। नाज़ाब अस्सलाम वालेकुम। नाज़ाब, काफी अजीब एक सूरत हाल पैदा हो गई है हॉकी में। आपने दो ओलंपियंस पे कुछ इल्जाम लगा के उन पर ताहियात पाबंदी लगाई, उन्होंने हिट बैक किया और कुछ अजीब सी एक बदमजा सी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई है। क्या कहेंगे फेडरेशन इस हवाले से? मेरे ख्याल में कोई ऐसी बदमजगी की फजा नहीं है, वो दो इंडिविजुअल्स हैं, उन दो इंडिविजुअल्स का चक्कर है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बड़े स्मूथली चल रही है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कंपोजिशन पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कांग्रेस होती है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी है, चारों सूबाई सेक्टरीज हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है पहले मैं कह चुका हूँ, उसके अलावा सिलेक्शन कमेटी के अलावा टीम मैनेजमेंट्स होती हैं, प्रेजिडेंट और सेक्रेटरी हैं। इनके दरमियान कहीं आपको रबते का फुकदान नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं है। अब मैं उनके जवाब दे देता हूँ। वो एक दो इंडिविजुअल्स के केसेस हैं उनके अपने, जो अपनी वजह से हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने नहीं बनाए, पहले बात को समझना चाहिए कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाए। वो सबूत दिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड को, जिसमें फार्मर ला पाकिस्तान की मिनिस्टर बैठी हुई हैं, जिसमें चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हसन सरदार बैठे हुए थे, जिसमें कासम ज़िया चेयर कर रहे हैं जो पार्लियामेंटेरियन भी हैं। तो कोई गैर आइनी काम हो सकता है इनके होते हुए? बिल्कुल नहीं हुआ। ये उनको अपने इल्ज़ाम को डिफेंड करने की बजाय मीडिया का रुख कर रहे हैं, सहारा ले रहे हैं, जो ऐसे नहीं चलेगा। और वहाँ पर सबूत दिए हैं आसिफ बाजवा ने, जिसको एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने माना है, शहबाज सीनियर वहाँ मौजूद थे, सब लोगों ने यूनैनिमसली ये फैसला किया, चारों सूबाई सेक्रेटरी वहाँ मौजूद हैं। तो इनकी तो बेचारों की पहले ही पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में कहीं कोई हैसियत नहीं है, तो ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का केस नहीं है। दूसरी बात, उनके इल्ज़ाम का जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि वो जाके अपने जो उनके ऊपर असल एक्चुअल चीज़ें थी उनको डिफेंड करें, गैर चीज़ों को ना बात करें जिससे बदमजगी और जग हंसाई होगी हॉकी की। अच्छा राणा साहब, ये बात आपकी बिल्कुल लॉजिकल है। एक जो हॉकी के हलकों ने सवाल उठाया कि जनाब अगर इन पे बैन लगाना था तो पहले इनको शो कॉज देते, इनको अपनी बात का जवाब तो देने देते, आप लोगों ने ऐसे उठाया और इन पे पाबंदी लगा दी। बिल्कुल ये बेबुनियाद बात है। जैसे मैंने पहले कहा अशर, के पाकिस्तान हॉकी का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो उन लोगों पर मौजूद है जो हॉकी के अफेयर्स में है पूरे पाकिस्तान से। इसको चेक करना चाहिए कि कौन से लोग थे जिन्होंने ऐसे उठा के मुंह तो नहीं लगा दिया। इनको पहले नोटिस सर्व हुए हैं जिनके इन्होंने जवाब दिए, जो जवाब आते हैं या सवाल आते हैं वो भी बोर्ड में पेश हुए हैं। अच्छा। उसके बाद जाके फैसला हुआ कि अगर ऐसे नहीं फैसला हुआ कि जनाब इनका जवाब नहीं, इनका मौकफ नहीं सुना गया। लेकिन क्योंकि ये बोर्ड के मेंबर नहीं है, किसी जगह पे ये अप्लाई नहीं करते थे, तो इनको तो नहीं वहां बुलाया जा सकता था। लेकिन जो इनके जवाब थे, जो सवाल थे, बाजवा साहब पर भी क्वेश्चन हुए हैं, बाजवा साहब ने अपने आप को क्लियर किया वहाँ पे, अपनी पोजीशन को क्लियर किया, तो तब जाके उन्होंने कहा कि ये सच्चे हैं और ये झूठे हैं, और बोर्ड ने उस पे फैसला किया यूनानिमसली। ठीक। अच्छा राणा साहब, अगर थोड़ा सा व्यूवर्स की एजुकेशन के लिए आप थोड़ा सा रिकैप भी कर दें कि ऐसे क्या संगीन नौयत के इल्जाम आ गए कि जो दोनों प्लेयर्स हैं, इनका एक नाम है मंसूर, तो हमारे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के हीरो भी रहे हैं, वो क्या इतने ग्रीव इल्जाम थे कि इन पर आपको पाबंदी लगाना पड़ी? सबसे पहली बड़ी बात है जो मैं थोड़ी सी मंसूर की बता दूं आपको। मंसूर मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, हॉकी फैन, मेरे रूममेट है, बिल्कुल मैं उनकी इज्जत भी करता हूं, और नो डाउट उसमें कोई शक नहीं है कि मंसूर के खेल पे किसी को शक नहीं हो सकता। लेकिन जब मंसूर को अपॉइंट किया गया यहाँ पे, तो वो समझ ले आप कि हमने उसकी हेल्प की है। अच्छा, हेल्प किया? यस, उसकी हेल्प की कि उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं यहाँ पे आके आपके साथ काम करना चाहता हूँ। उसको किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी कि आप आगे आओ जी काम करो, उसने खुद ख्वाहिश तक आज़ार किया। और अशर, मैं यहाँ पे बड़े दुख के साथ ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मंसूर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कानूनन काम नहीं कर सकता, किसी काम नहीं कर सकता वो। ये एक उस पर हॉकी फैमिली का एहसान था जो उसको दोबारा हॉकी फैमिली अंदर लाई, जो उन पे साथ करप्शन के थोड़े से इल्जाम लगे थे। वो करप्शन के इल्जाम क्या पीएचएफ ने लगाए थे? नहीं,
वो उसको क्लियर खुद करना चाहिए। ये फिर जागरसाई की बात है जो मैं नहीं करना चाहूँगा। इतना मैं नीचा नहीं हूँ कि मैं किसी को इतना नीचा दिखाऊंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उसको समझ आए इस बातों की। दूसरे नंबर पर नवीद आलम पे आ जाते हैं। तो नवीद आलम ने जब पाकिस्तान हॉकी टीम की कोचिंग की तो उसमें उस पर इल्ज़ाम ये थे कि वो फ्रांस में, आयरलैंड में, जर्मनी में, बेल्जियम में पाकिस्तान टीम का टूर किया गया। वहाँ पर जो भी घपले हुए पैसों के, वो पैसों के घपलों के हिसाब से पेश किया गया कि जी आप अपना जो हिसाब है इसको क्लियर करें। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो खजानची हैं और जो सेक्टरी हैं, जो उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसने वो रिजर्वेशन लगा के इनको भेजी और नवीद आलम ने उसका जवाब दिया। उस जवाब को वो क्लियर नहीं कर पाए 25.5 लाख रुपए का करने के बावजूद। बार बार इस बात को कि आप आगे अपना क्लियर करें, ये ऐसे काम नहीं हुआ एक दिन में हो गया ये काम, नहीं बिल्कुल ये गलत है, उसको बुनियाद बना के जब इनके पास ये जवाब नहीं थे तो उन्होंने यही बेहतर फील किया कि मैं जवाब देने की बजाय मीडिया का रास्ता अख्तियार कर लूँ। और उस पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 25.5 लाख रुपए के हिसाब का हिसाब है जो उन्होंने देना है। अच्छा। और वो ऑन रिकॉर्ड और प्रूफ के साथ है, जो फाइलें आपके सामने पेश कर दी गई हुई हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के बाद, वो उसको कर दिया गया हुआ ना। अच्छा, उसके बाद एक और खूबसूरत बात सुने आप। पाकिस्तान की एक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एक कमेटी बनाती है जिसको हेड करते हैं राणा फारूक सईद, जो इस टाइम फेडरल मिनिस्टर हैं टेक्सटाइल के। उसके साथ एक साबिक कप्तान है पाकिस्तान के जिनका तलक कराची से है, अब्दुल वहीद खान। एक तलक शबाज सीनियर का है जो कप्तान है पाकिस्तान टीम के, रह चुके हैं। उन तो उनकी आप रिपोर्ट पढ़ लें, उसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है कुछ बताइए। उसके मतलब नवीद आलम के मतलब जो लिखा है वो खुद पढ़ लें आप, 18 सवाल वो भी पब्लिश कर दी गई है कि ये जो सारे लोग उसके खिलाफ, ये अपनी पॉलिसियों को रिव्यू करना चाहिए। और वो एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन थोड़ी है, या उसे पाकिस्तान हॉकी थोड़ी है। सारे लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है लोग खुशी से लगे हुए हैं, आपके सामने हैं लोग। इस फेडरेशन ने जितने आगे स्टेप लिए हैं, कोई इससे पहले बता देगा अगर स्टेप लिए गए हैं? इस फेडरेशन ने आगे जो हॉकी का बेड़ा गर्क हुआ था उसको ऊपर किया, और ये फिर एक ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं हॉकी नीचे चलेगी। इनके रिकॉर्ड और इनके हकायक दुरुस्त नहीं है, इनके पास उस वक्त ये टाइम ही नहीं था कि इन चीज़ों को चेक किया जाए। और मैं दूसरी बात ये कहने लगा हूँ आपको कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मौजूदा ने जब ये चार्ज लिया, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरी बातें हैं या आपके चैनल की बातें नहीं है, ये FII से आप लें, तो उस दिन पाकिस्तान की पोजीशन 8वें नंबर पर थी। आज पाकिस्तान की FIH में 6ठे नंबर पर पोजीशन है। पाकिस्तान ने एशिया कप में 2nd पोजीशन ली है, पहले 6ठी थी जिस दिन आसिफ बाजवा और कासिम ज़िया को। हम कोई इनके ऐसे नहीं, हम कोई इनके कोई जर खरीद नहीं है, लेकिन हमारी कन्विक्शन है कि ये फेडरेशन अच्छा काम कर रही है तो हम इनके साथ हैं। ये कोई हमारे कोई इस चीज की कोई ये नहीं पे दे रहे हैं कि जनाब का आप ये बोलेंगे तो हमें, लेकिन इन लोगों को ये समझ ही नहीं आ रही कि अब इनको ये जातियात पे ले गए हैं, इनके गुस्से और हैं, निकाल किसी और चीज़ पे रहे हैं, ये गुस्से नहीं है। लेकिन अगेन बात आती है राणा साहब कि दो प्लेयर्स, इनके मामले को क्या आप समझते हैं कि फेडरेशन ने मुनासिब तरीके से हैंडल किया, इसको और तरीके से और मुस्बत तरीके से रिसॉल्व किया जा सकता, एंड द एंड हो यही रहा है कि पाकिस्तान हॉकी की जो है वो बदनामी हो रही है? नहीं, मैं नहीं समझता इनकी कोई ऐसी हॉकी की बदनामी हो रही है। ये दो इंडिविजुअल्स अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हैं और कौम के सामने आ गए हैं कि जो इनका किरदार है वो सबके सामने है। मैं उन बातों पर नहीं करना चाहता, लेकिन वो भी बातें मेरे पास हैं, इंशाल्लाह वो वक्त आएगा वो भी खोल दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये हॉकी बदनाम नहीं हो रही, हॉकी ऊपर जा रही है और उन लोगों का चेहरा बेनकाब हो रहा है जो इसको गंदा करना चाहते हैं। ना साहब, आपसे बातचीत जारी है। नाज़रीन, आई एम श्योर राणा मुजाहिद के पास बहुत कुछ कहने को है, हमारे पास बहुत कुछ पूछने को है, लेकिन एक ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे।